ताजी ताजी खाने को मिलती हैं इससे। ये एक भिंडी लगी हुई है बस, इन सब अभी छोटी छोटी तोरी तो है। अब अभी बच गया जब से मैंने गमले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो आज हम दिन में बना रहे हैं कुछ खास चीज़। खास क्या, जैसे कि पकौड़ी बना रहे हैं हम आज, तो हम बनाते हैं आज दाल की पकौड़ी। वैसे हम दाल की पकौड़ी बनाते नहीं हैं, बहुत कम बनाते हैं, किसी स्पेशल फेस्टिवल में ही ये बनती हैं। लेकिन आज ना हम आलू की नहीं बना रहे हैं, दाल के बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने ना 2 दिन पहले भिगा दी थी दाल घर की बड़ी देने के लिए, लेकिन धूप नहीं है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो दाल खराब हो जाएगी, इसलिए हम बना रहे हैं पकौड़ी। तो चलो बनाते हैं। पिस रहा है, ये बन गई तीलू की पकौड़ी। पकौड़ी बन चुके हैं और आप खाएंगे पकौड़ी चाय के साथ स्पेशल आज। ये देखिए, आज बारिश लगी हुई है पौड़ी में बहुत खतरनाक कल से। खुशी कैसे हो रही पकौड़ियाँ किचन में, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश है। तो फ्रेंड्स, बन गई है पकौड़ी, खा भी लिया, बहुत टेस्टी हो रही थी। तो मैं चलती हूँ बाहर, इस समय थोड़ी बारिश कम हो रखी है तो मैं बाहर कभी भी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना बारिश नहीं लगी हुई है, थोड़ी देर तक तो काफ़ी तेज़ बारिश, कल से रुकी नहीं बारिश, इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी आज दिन भर। और अब निकले हम बाहर पे, अभी 3 या 3:30 हो रही होगी, और बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सामने इधर देखिए हिमालय भी कैसा दिख रहा है, एकदम क्लियर सा ना, जब बारिश आती है तो उसके बाद क्लीन हो जाता है सारा, ये देखिए। तो यहाँ पे तो बहुत बारिश हो चुकी है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कितनी कितनी बारिश हो रही है या फिर गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे तो काफ़ी है, यहाँ पे खुशी और मैं आ रखे हैं बाहर पे, तो खुशी ने अभी पढ़ाई भी कर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हिमालय के दर्शन करवाती हूँ सामने, और हमारे घर से कुछ ऐसा दिखता है हिमालय, ये देखिए। आज तो वाइट वाइट दिख रहा है क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल वाइट लग रहा है। कुछ तो बादल हैं लेकिन यहाँ से ना साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बर्फ़ भी दिखाई दे रही है साफ साफ, क्योंकि पौड़ी से सबसे अच्छा नज़ारा है ना हिमालय का, पौड़ी से ही दिखता है, यहाँ से क्लियर दिखता है एकदम। तो गाइस, ये जो बादल बादल चल रहे हैं ना, कितने मस्त लग रहे हैं देखो देखने में, ये पूरा हिमालय। और यहाँ जब भी बर्फ़ पड़ती है ना, तो ठीक सामने पौड़ी है, तो यहाँ पे उसकी हवा आती है ना, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है मौसम। और इस टाइम तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी से ही इतनी बारिशें आ रही है ना, तो ठंडा ठंडा हो गया है मौसम काफ़ी। तो फ्रेंड्स, आज तो हम कहीं गए नहीं क्योंकि आज बारिश थी सुबह से, और संडे था तो जा भी सकते थे, लेकिन नहीं गए क्योंकि बारिश की वजह से नहीं जा पाए। और ये खुशी है, खुशी भी घूम रही है मेरे साथ बाहर पे, और मैं भी घूम रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बगीचे में, अब बगीचे में क्या क्या लगा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तोरी लगी है देखो, अभी छोटी छोटी तोरी हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो अभी फ़िलहाल लग रही है ना, तब हम इसकी सब्ज़ी खाएंगे, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी तो तोरी लगनी स्टार्ट हो गई हैं, आपकी क्या क्या सब्ज़ी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी तोरी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने दूसरे बगीचे में, और यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो चलते हैं यहाँ, और बारिश में ना यहाँ नीचे गीला गीला भी हो रखा है, तो चलती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इधर दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे भिंडी हो रखी है देखो, भिंडी हुई नहीं है, मतलब एक दो ही लगी हुई हैं, तो बैक कैमरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक भिंडी लगी हुई है बस, इन सब में से एक भिंडी है। और यहाँ पे है लौकी की बेल, लेकिन एक भी लौकी नहीं लगी हुई है इसमें, तो ये लौकी का काफ़ी बड़ा झाड़ हो गया है, लेकिन लौकी अभी लगी नहीं है, तो लगेंगी जब भी लगेंगी, एक दो तो लगेंगी। तो चलते हैं फिर आगे, आगे भी आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इधर भी फिलहाल इस समय सब्जी का सीजन ही नहीं था, बारिश की वजह से सारा खराब होता है, तो इस समय सब्जी तो है नहीं, ऐसे हो गया है देखो। और ये फूल कैसे हो गए देखो,
एक ये गुलदस्ता, ये अच्छा हो रखा है आप। अब ये बच गया, जब से मैंने गमले इधर रखे ना तब से ये बच गया, नहीं तो ये भी बारिश से खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ खीरा। घर के खीरा ना बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कल परसों के ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था और मैं फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर खुशी ने देखा है ना खुशी, यहाँ पर खुशी थी ना तो खुशी ने खीरा देखा। अब मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना, शुद्ध ताज़ा घर की जो खीरा या फिर सब्जी होती है ना बहुत ही शुद्ध और देखने में भी देखो तो ताज़ी ताज़ी खाने को मिलती है। इससे स्वास्थ्य भी सही रहता है और कुकुम्बर तो अच्छा होता है, इसमें पानी होता है तो पानी की कमी भी पूरी हो जाती है इससे। बाकी कुछ नहीं लगाया गाइस। और ये माल्टे का पेड़ है ये देखिए, तो इसमें अभी माल्टे लगे हुए हैं हरे हरे, इसमें भी लगे हुए हैं माल्टे। खुशी क्या कर रहे हो, खुशी का जूड़ा देखो। तो अब चलते हैं हम अंदर, काफी घूम गए हैं हम बाहर पे, तो चलते हैं हम अंदर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे गौरी की चल रही है पढ़ाई, कल एग्जाम है, तो कल से खुशी के एग्जाम है खुशी और गौरी के। तो आज एग्जाम पैड ही निकाल दिया है और अलग सा बैग, छोटा सा बैग में रखेंगे। और ये है गौरी, गौरी ने बना दी है अपने लिए मैगी, तो गौरी ने मैगी बनाती रहती है। तो चलते हैं आप छत में, तो छत की सैर करते आते हैं। क्यों मैं जा रही हूँ छत में, तो थोड़ा टहल के आते हैं छत से, सुबह से अंदर ही अंदर। तो गाइस आ चुके हैं हम छत में और ये खुशी है, ये खुशी भी आ गई है और काफी ठंडा भी हो गया मौसम। तो आज का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं आप शाम का नज़ारा 6 बजे का। तो फ्रेंड्स घूम गए हम छत में और चलते हैं नीचे, तो खाना वाना बनाते हैं। अजय खुशी, तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। और तो अंदर अभी हो रखा है अंधेरा, तो मैं लाइट ऑन करती हूँ। लाइट ऑन करो, मैं नहीं करती हूँ। और चलते हैं किचन में, तो आज क्या बनाने वाली हूँ मैं। चलो देखते, तो गाइस आज बनाते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च मैंने निकाल दी है और शिमला मिर्च ना ख़राब हो रही है, तो हमने ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 2-2.5 किलो एक साथ ले आए थे तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो आज भी शिमला मिर्च पसंद। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना था शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं और हमारा खाना वाना भी हो गया है, तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।